शिवाय का इंतजार करते रहेंगे। हरि ओम 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 भुवः ओम भुवः ओम चिरमण्यो देहे नमः राहुले नमः राजे नमः मथुरा वृंदावन में ठाकुर देवकी नंदन महाराज के प्रियकांत जू मंदिर में चल रहे धार्मिक पार्थिव शिवलिंग अनुष्ठान में बुधवार को बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। मथुरा पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने ठाकुर देवकी नंदन महाराज के साथ अभिषेक किया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण से लेकर वृंदावन हादसे तक पर बात भी की। श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण और जामा मस्जिद की सीढ़ियों से भगवान के विग्रह को वापस लाने के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण के विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियों से बाहर निकल कर आएंगे। राम मंदिर की तरह सबकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारे दादा भैया लगे, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे, भगवान भूत भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत ब्राह्मण अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि हमारे बड़े भाई ठाकुर देवकी नंदन इस लक्ष्य को पूरा करने में लगे हैं। ये सब ठाकुर जी की लीला है। अब सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, सब एक हो रहे हैं, ब्रजवासी भी एक हो रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के भव्य निर्माण में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। पूर्ण आगे, सबसे आगे क्या सहयोग रहेगा आप ये पूछ रहे हैं। आप अपना बताओ, आपका क्या रहेगा? तमाम ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे साक्ष्य हैं, क्या मानते हैं? इतना लंबा समय हो गया आज तक। देखिए, सब ठाकुर जी की ही लीला है, समय चक्र है। अब सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, सभी कृष्ण भक्त एकत्रित हो रहे हैं, ब्रजवासी भी एकत्रित हो रहे हैं और पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री के नेतृत्व में सब संतों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी अब ये इंतजार खत्म होने वाला। वहीं वृंदावन हादसे पर उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ की तरह यहाँ भी व्यवस्था गंभीर रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है। व्यवस्था गंभीर रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ बांके बिहारी का कार्य अगर हो जावे व्यापक रूप से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री से जब मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, हम राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राजनीति पर कोई हमारी टिप्पणी नहीं। देखो, वृंदावन त्याग की भूमि और प्रेम की भूमि, यहाँ हिसाब किताब जोड़ घटाना सब बंद हो जाता है। यहाँ तो केवल प्रेम का प्रवाह होता है। यही कहना है कि बाकी बिहारी सफर बनी और खूब ठाकुर जी संप्रदाया। आपको बताते चलें कि देवकी नंदन महाराज के प्रियकांत जू मंदिर में 17 जुलाई से 1 करोड़ 25 लाख ब्रज की माटी से पार्थिव शिवलिंग बनाने और अभिषेक का अनुष्ठान चल रहा है, जिसका बुधवार को समापन होना था और इसी मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा वृंदावन पहुंचे थे।